दोस्तों मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आज मैं आपको बताऊंगा मच्छर का बर्गर। मच्छर यानी मस्किटो, मस्किटो का बर्गर। आप वीडियो में बगल में देख रहे होंगे, ये बनाने का तरीका भी, ये बनाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, खान पान का तरीका बता रहा हूँ। चाइना से कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में अफ्रीका में लोग खाना खाते हैं। चाइना में आप तमाम तरीके की चीज़ें सुन रहे होंगे, कोरोना के समय भी सुन रहे होंगे, चमगादड़ के सूप से लेकर बंदर के नाखून का पता नहीं क्या क्या वो लोग बनाते हैं। लेकिन उससे कहीं बुरी स्थिति में अफ्रीका के ये जनजातीय स्थिति है, यहां पर मच्छर का बर्गर खाया जाता है और ये वहां का प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। सोशल मीडिया पे कई बार हो सकता है आपने वीडियो देखी हो, लेकिन भारत में इस पर न्यूज आर्टिकल कम लिखे गए हैं। दो चार चैनलों पर आप सर्च करेंगे तो इस पे आर्टिकल मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं अफ्रीका के बारे में बता दे रहा हूं, ये बर्गर आप जो देख रहे हैं, बनाते हुए भी आप देख रहे हैं, ये मच्छरों से बनाया जाता है। 5 लाख मच्छर लगते हैं एक बर्गर की टिक्की बनाने में। ये जो आप टिक्की देख रहे हैं यहां पर, ये टिक्की, इस एक टिक्की को बनाने में 5 लाख मच्छरों का प्रयोग किया जाता है। और अफ्रीका के विक्टोरिया के मिजिड नाम के समुदाय में ये फेवरेट माना जाता है। और तो और बताया ये जाता है कि आम पैटी में जो आम चिकन पड़ता है उससे कहीं ना कहीं उससे लगभग 100 गुना अधिक प्रोटीन एक मच्छर के बर्गर से निकलता है। बनाने की प्रक्रिया भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति मच्छरों को पकड़ता है। अच्छा, मच्छरों को पकड़ने के लिए भी एक विशेष टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले एक बर्तन लिया जाता है, उस बर्तन में कुछ चिपचिपा पदार्थ फंसा दिया जाता है और विक्टोरिया लेक जो है, जहां पे विक्टोरिया झील है, वहां पे बहुत सारी संख्या में मच्छर उगते हैं, उत्पन्न होते हैं, माफ कीजिएगा, और उसी पे वो इधर उधर करते हैं, जिस तरह आपको वीडियो में एक बच्चा करते हुए दिखाई दे रहा है, और इस तरह करते हैं और उसमें बहुत सारे मच्छर चिपक जाते हैं। फिर उन मच्छरों को बढ़िया से उसको अच्छे से साफ करके निकाल लिया जाता है और उसको रख दिया जाता है, उनकी मृत्यु तक उन्हें रखा जाता है। और उसके बाद से उसको पीसा जाता है, उसको टिक्की बनाई जाती है और बड़े चाव से यहाँ पर लोग खाते हैं। कई ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स भी यहाँ पहुँच चुके हैं विदेश के, जिन्होंने यहाँ पर ये चीज़ खा कर भी चखी है। फिलहाल चाइना इन सब तमाम मामलों में बदनाम था कि चाइना की एक मार्केट है जहाँ पर लोग एक एक से चीज़ जाते हैं खाने और वहाँ पर सांप से लेकर हर चीज़ तक बेची जाती है। लेकिन अफ्रीका का ये समुदाय जो आप देख रहे हैं, ये खुद ही मच्छरों को पकड़ता है, बरसात का महीने का इंतजार करता है, एकदम फेवरेट भोजन है, और उसके बाद से मच्छरों को पकड़ता है, उसकी टिक्की बनाता है खूब सारे मच्छरों को पकड़कर, और उस दिन पार्टी होती है, डबल रोटी के अंदर प्याज और सैलेड डाल के अंदर उसको खाया जाता है। अब जरा कल्पना कीजिएगा कि जिस मच्छर को हम लोग मार के फेंक देते हैं, कहीं वो किसी का भोजन हो, तो अगली बार आप खाने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन जब आप मच्छर मार रहे होंगे तो आपके मन में यह ख्याल जरूर आएगा कि अगर अफ्रीका के हम होते तो शायद इसको भी बचा के रख लेते। फिलहाल इस स्टोरी के बारे में आप कितना जानते थे ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये स्टोरी अगर आपको बुरी लगी हो तो मेरे से बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा था। मुझे आपका मन खराब करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, बस बताना था कि मच्छरों का भी एक बर्गर बनाया जाता है और अफ्रीका में वो बनता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो कृपया करके यूट्यूब पर जाइएगा, मित्र प्रकाश इंडिया सर्च कीजिएगा, वहां पर जाकर मेरा ही वो चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा।